पंडित जी, चालीसा क्या होती है ये आज आपने दर्शकों को बताया। क्या होता है, कई बार हम आसपास कुछ चीज़ें कर भी रहे होते पूजा, हमें पता नहीं होता। आज आपने महत्व को बताया और ये भी बताया कि अगर चालीसा पढ़ते तो कितने दिनों में सिद्ध होता है, उस नियम के साथ करने चाहिए। पंडित जी, लेकिन अलग अलग चालीसा, जैसे अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, शिव चालीसा होता है, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, तो उसके बारे में जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं और उसके क्या लाभ होते हैं। क्या अलग अलग चालीसा के अलग अलग मैं पर्पस कह सकती हूँ या उसके अलग अलग लाभ होते हैं? अवश्य, जैसे देवता हैं जी, जो देवता का स्वभाव है उसी के अनुरूप देवता फल देते हैं जी। अच्छा, जो भी चालीसा पढ़ेंगे सबका ये फिक्स है, जैसे आपने बताया सिद्ध होने के लिए 11 बार 40 दिन जी, ठीक है। हाँ। अब ये आपके पात्रता के ऊपर डिपेंड है। 40 दिन उन लोगों के लिए है जो लोग भक्ति भाव से और पूर्ण रूपेण आस्थावान श्रद्धावान होकर के अपने खान पान को शुचिता पवित्रता के साथ रखते हुए और 40 दिनों तक अपने को अनुष्ठानमय मानते हुए करेंगे तो उनका 40 दिनों में सिद्ध हो जाएगा जी। लेकिन 40 दिनों तक चालीसा पढ़ते हुए और पूरे देश का कुकर्म करते रहिए, झूठ बोलते रहिए, खान पान अपना अशुद्ध रखिए, गलत कार्य करते रहिए, तो 40 नहीं 400 दिनों में चालीसा सिद्ध नहीं होगा। पंडित जी, लेकिन एक इसके पहले सिद्ध होने से पहले आपने एक जिक्र किया था मंत्र का, मुझे लगता है मेरे दर्शक भी बिल्कुल इच्छुक होंगे कि वो आप मूल मंत्र तो बता दीजिए कि एक ही मंत्र है जिसको सिद्ध नहीं करना पड़ता, अब मैं भी जानने के लिए इच्छुक हूँ। देखो, दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है, तुमने पूछा मैं बता दिया, मैं बताने वाला तो नहीं था। दुर्गा कल्पद्रुम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नवार्ण मंत्र के बारे में, सिद्धि असिद्धि नास्तीति। दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है कि नवार्ण मंत्र के सिद्धि और असिद्धि के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में स्वयं में सिद्ध है, ये अपने आप में स्वयं में सिद्ध है, और पहले दिन से ही इसका जाप करने से इसका फल मिलने लगता है। इसका फल मिलने में 1 से 2 दिन नहीं लगता है, इसका फल का मतलब कि एक बार आपने कहा तो फल मिलना शुरू। लेकिन इसके करने की कुछ विधा है, जैसे इसके करने की विधा ये है कि सबसे पहले इस मंत्र की शुरुआत करने के पहले नाभि बराबर जल में, गंगा जी में, यमुना जी में, नर्मदा जी में, किसी पवित्र नदी में खड़े होकर के 108 बार इस मंत्र का जप किया जाता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। फिर कपड़ा पहन करके पीपल के पेड़ के नीचे पूरब मुँह करके आसन पर बैठ करके एक माला जप वहाँ किया जाता है। फिर उसके बाद किसी शिवालय में जहाँ प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो वहाँ उत्तर दिशा में मुँह करके शिवालय में बैठकर एक माला जप किया जाता है, और उसके बाद अपने आवास पर जाकर के अपने पूजा स्थान में बैठकर के 7 माला जप अपने पूजा स्थान में किया जाता है। ये 10 माला जप कर लेने के बाद अब आप पूर्ण रूपेण इस मंत्र का प्रयोग करने के लायक हो गए और ये मंत्र सिद्ध हो गया। इसके बाद आप अपने घर में सुबह शाम जब भी समय पाते हैं इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र में बहुत से 10 प्रकार के दोष होते हैं, 10 दोष होते हैं, जैसे क्या, मृत होता है, नग्न होता है, सुप्त होता है, वृथा होता है, हत होता है, भुजंग होता है, कीलित होता है, ये 10 दोष मंत्र के होते हैं। जैसे अगर मंत्र के पहले ओम नहीं लगाएंगे तो ये मंत्र मृत्युवत हो जाएगा, मरा हुआ हो जाएगा। प्रणव जो है, ओम जो है, ये इसका सर है। अगर ओम आपने हटा कर केवल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कहा तो ये मृत मंत्र है, जीवित मंत्र नहीं है, ऐसा दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपने मंत्र के अंत में पल्लव नहीं जोड़ा है, पल्लव कहते हैं वस्त्र को, हर मंत्र नंगा होता है, उसको एक वस्त्र पहनाया जाता है, जो वस्त्र 6 प्रकार के होते हैं, नमः, स्वाहा, वौषट, वषट, फट, हुम,
ये छह पल्लव होते हैं। हर मंत्र के अंत में कोई भी मंत्र हो, उन मंत्रों के अंत में यही छह शब्द आते हैं। आप देख लीजिए पूरा विचार करके, चाहे वेद की ऋचा हो और चाहे पुराण की ऋचा हो, उन मंत्रों के अंत में ये छह में से कोई न कोई जरूर आएगा। तो पल्लव कहते हैं वस्त्र को। नमः शांति पुष्टि के लिए किया जाता है, स्वाहा वशीकरण आकर्षण और हवन के लिए किया जाता है, वौषट लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। वशट जो है वो उद्विग्नता और मतलब कि उच्चाटन के लिए किया जाता है, फट जो है उच्चाटन के लिए किया जाता है, हुम जो है ये मारण के लिए किया जाता है। ये छह प्रकार के वस्त्र हैं, छह प्रकार के पल्लव हैं जो मंत्र के अंत में अपने मनोकामना के लिए किए जाते हैं। और अगर आप आसन पर नहीं बैठते हैं तो आपका मंत्र सुप्त हो जाएगा। अगर आप इसका न्यास और ध्यान नहीं करते हैं तो मंत्र गूंगा हो जाएगा। और अगर आप अक्षर को आगे पीछे कर देंगे मंत्र के तो मंत्र कीलित हो जाएगा। अगर कोई मंत्र आप निकाल करके मंत्र में से कोई अक्षर गायब कर देंगे तो वो भुजंग हो जाएगा। तो इस तरह से 10 प्रकार के दोष दुर्गा कल्पद्रुम में लिखे हुए हैं। तो जो मंत्र है जिसको सिद्ध करने की जरूरत इस कलिकाल में नहीं है, वो मंत्र है भगवती दुर्गा का। और देवी भागवत में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी हैं श्री राधा। श्री राधा क्या हैं? भगवान कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी हैं। भगवान कृष्ण की प्राण कौन है? श्री राधा। और भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि स्वरूपा देवी हैं दुर्गा। राधा का मंत्र है ह्रीम श्रीम राधायै स्वाहा। ये खड़ाक्षर मंत्र है, ह्रीम श्रीम राधायै स्वाहा। ये देवी भागवत का मंत्र है, ह्रीम श्रीम राधायै स्वाहा। ये राधा का षडाक्षर मंत्र है। और दुर्गा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र जो है दुर्गा का, भगवान कृष्ण की बुद्धि स्वरूपा देवी का मंत्र है। और यही मंत्र ऐसा है जो कलिकाल में भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इसको करने के लिए कुछ नियम हैं जिनको जानना जरूरी है। और अगर इनको आपने जान लिया तो सारे लक्ष्य आपके कदमों में रहेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ दुर्गा चालीसा से। दुर्गा चालीसा में माँ भगवती का गुणगान किया गया है। दुर्गा चालीसा में देवी के सभी रूपों के साथ उनकी महिमा का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। दुर्गा चालीसा की रचना देवी दास जी ने की थी। देवी दास जी के बारे में कहा जाता है कि वो माँ दुर्गा के सबसे बड़े भक्त थे। नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है, तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करने से विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है और शत्रु हावी नहीं हो पाते हैं। दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में व्यक्ति डरता और घबराता नहीं है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से जीवन में बुरी शक्तियों से निजात मिलती है। दुर्गा चालीसा का शुद्ध कर लेने से दरिद्रता दूर होती है और परेशानियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। दुर्गा चालीसा के पाठ से बिखरा हुआ परिवार जुड़ने लगता है और खोया हुआ मान सम्मान वापस मिलने लगता है। जीवन में निराशा है, कष्ट है, कर्ज है तो दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करने से व्यक्ति मन और अपनी भावनाओं पर आसानी से नियंत्रण कर लेता है। लेकिन दुर्गा चालीसा पढ़ते समय तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। अपने मन में किसी के लिए कड़वाहट ना रखें। अपने घर में साफ सफाई रखें। जय माँ विंध्यवासिनी।